हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही सही होने वाला है। मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ एक एयरफोन को, एक ये वाला एयरफोन है मेरे पास, और मैं इसको कंपेयर करूँगा माइक के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए और किस चीज़ का क्वालिटी बेटर है, मतलब कि एक माइक का या फिर एक एयरफोन का वॉइस क्वालिटी किस चीज़ का बेटर है। मैं आपको स्विच करके भी दिखा दूँगा ऑडियो, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए अपनी वीडियो में वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है निर्मल और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको एयरफोन का ऑडियो बता देता हूँ कि एयरफोन से आप वॉइस कैसी रिकॉर्ड होती है, मतलब क्या क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है। तो मैं जो माइक है अभी अपना चेंज कर लेता हूँ और अपना एयरफोन में अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना एयरफोन फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और आप अभी जो भी वॉइस सुन रहे हैं वो एयरफोन की ही है। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो बहुत ही सही, आपके पास एक ऑप्शन रहता है एयरफोन से अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। आपके पास स्टार्टिंग में माइक नहीं होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी शुरू शुरू में जो वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने भी एयरफोन से ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है। और आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको पूरी वीडियो में आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है। और आपको ज़्यादा महंगा माइक स्टार्टिंग में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप एयरफोन है आपके पास तो आपका काम बिल्कुल चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छी खासी इससे वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी। और लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपके जो बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होता है वो आपको ज़रूर इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यही थी यार इसकी जो आवाज़ थी, आपने सुन ही ली होगी। तो अब मैं आपको ऑडियो स्विच करके दिखा देता हूँ, अपना माइक जो है मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल ही जाएगा कि आपको किस चीज़ में आपको बेटर देखने को मिलती है क्वालिटी। तो चलो मैं अपना माइक कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन से और फिर आपको। फ्रेंड्स, मैंने अपना माइक कनेक्ट कर लिया है फ़ोन से और अभी आप जो भी वॉइस सुन रहे हैं वो एक माइक की है। और आपको पता चल ही गया होगा आपकी जो एयरफोन से वॉइस मिलती है आपको और जो एक माइक से मिलती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको डिफरेंस तो पक्का देखने को मिल ही गया होगा। और अगर आपको मैं इस माइक के बारे में बताऊं तो ये वाला माइक मैंने कुछ ही दिन पहले परचेज़ किया है, मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको भी एक माइक परचेज़ करना है और आपका बजट कम है तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आपको इस माइक के बारे में वहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगी और आप वहाँ से जाकर परचेज़ भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा माइक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक कम बजट के माइक से ही आप अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अब इसकी क्वालिटी भी देख ही सकते हैं, काफ़ी सही होती है। और इसमें जो नॉइस रिडक्शन के लिए लगा होता है उससे आपको काफ़ी सही क्वालिटी देखने को मिल जाती है, मतलब जो एयरफोन में प्रॉब्लम होती है बैकग्राउंड नॉइस की वो इसमें नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी हद तक आपको इसमें बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो यही था यार कंपैरिजन, आपको पता चल ही गया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो ही गया होगा कि आप किस चीज़ में आपको क्वालिटी बेटर देखने को मिलती है। आप एयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्टार्टिंग में अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप बेशक आप एयरफोन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप माइक ख़रीदना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप मैंने जो लिंक दिया है आप वहाँ से जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं और माइक परचेज़ कर सकते हैं। तो यही था वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो यार लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस डालता हूं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं जाकर चैनल पर, और वो भी काफ़ी मज़ेदार थी, आपको सारी टेक वीडियोज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, वो भी काफ़ी मज़ेदार होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।